वेलकम टू रेडिक्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 101 टू 150। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एंड ए बी, देखो एक कौन सा समझ लो, एक सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है। लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। नाउ द इंपॉर्टेंट रूल फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सम ऑफ अपोजिट साइड। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्किल बन पाता है कंप्लीट जो टच करता है, तो एक ही रूल होता है ए बी प्लस डी सी इज इक्वल ए डी प्लस बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल दिस प्लस दिस, ये इक्वल होता है। अच्छा देखो, आपको ए बी दिया है 6, सी डी दिया हुआ है आपको 5, ए डी दिया है 7, आपको बी सी कैलकुलेट करना है। कितना आंसर हो गया? 4। ओके, ये शॉर्टकट याद रखना। इफ वी कैन ड्रॉ अ सर्किल इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल सर्किल बन पाए उसके अंदर, वो सारी भुजाओं को टच करे, इन दैट केस सम ऑफ अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल। ओके, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखो यार एम ए प्लस मेजर, ये मेजर वर्ड होता है, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल डी, देखो अपोजिट एंगल का। और वैसे भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, बस इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है ना? आप क्यों थ्योरम कोई लगा रहे हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा? 360। ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई, देखो दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई, मैंने इसको एक्सटेंड किया टू ई सच दैट दिस साइड इक्वल दिस साइड, राइट, बी इज इक्वल बी सी। नाउ एंगल ए डी सी, दिस एंगल इज 70, एंगल बी ए डी दिस एंगल इज 95, देन वी हैव टू कैलकुलेट एंगल डी सी ई, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। तो देखो बहुत आसान सी बात है, दिस इज 70, दिस वुड ऑल्सो बी 70। अच्छा ये 70 तो ये 55 55 हो जाएगा। नाउ इफ दिस इज 95, ये कितना होगा? 85। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट एंगल डी सी ई, इट इज 140। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल सी, देखो यार एंगल ए एंगल सी इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल 180, है ना? ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच, देखो यार एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ए बी सी डी, गिवन दैट एंगल ए इज 4x, एंगल बी इज 7x, एंगल सी इज 5y एंड एंगल डी इज y। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x अपॉन y, तो देखो सिंपल सी बात होती है, 4x प्लस 5y इज इक्वल 180 एंड 7x प्लस y इज इक्वल 180। ओके, यहां से आपको x और y कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 35x प्लस 5y इज इक्वल 900, इधर 4x प्लस 5y इज इक्वल 180, सबट्रैक्ट करो 720 इज इक्वल 720 अपॉन 31, ठीक है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, एक्स वाई का रेशियो निकालना है हमको। हाँ अच्छा छोड़ो, वो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इक्वल कर दो, 4x प्लस 5y इज इक्वल 7x प्लस y, तो 4y इज इक्वल 3x, x अपॉन y इज इक्वल 4/3, आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है ना? नेक्स्ट, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए डी इज डायमीटर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी, ए डी इज डायमीटर एंड इफ एंगल डी ए सी दिस एंगल इज 55, वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ए बी सी। देखो यार बहुत मजेदार बात है, ये एंगल कितना होगा? 90, एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है, दिस 90 दिस 55, ये कितना होगा? 35, और अपोजिट एंगल सम कितना होता है? 180, तो ये कितना होगा? 145, सी ऑप्शन। ओके, ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, उसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, प्रॉपर्टी पता है रॉम्बस की, ऑल साइड इक्वल, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना? ऑल स्ट्रेट लाइन कट्स टू सी कट्स ए डी प्रोड्यूस एट पी एंड ए बी। ओके, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सी, पहले नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, ए डी प्रोड्यूस एट पी, ऐसे बुलाए, ठीक है ना?
लाइन थ्रू सी कट्स ए डी प्रोड्यूस पी एट पी एंड ए बी प्रोड्यूस. अच्छा ऐसे प्रोड्यूस कर लो. अच्छा अब थोड़ा डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखो यार, दिस इज ए बी सी डी. नाउ वी हैव प्रोड्यूस दिस एंड वी हैव प्रोड्यूस दिस, और एक लाइन ड्रॉ की हमने सी से. इट इंटरसेक्ट इट एट पी एंड इट एट क्यू. अच्छा अब आपको बोला हुआ है डी पी इज हाफ ऑफ ए बी. अगर ये 2x है, ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, तो दिस इज x. डी पी इज हाफ ऑफ ए बी. देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी क्यू एंड ए बी. ओके अब हमें इसको भी इस टर्म में निकालना है कि वैल्यू x के टर्म में निकालनी है डी बी क्यू को. ठीक है. अच्छा एंगल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये साइड क्या हो सकती है. हाँ कैसे होगा, इन दोनों ट्रायंगल की बात करनी है, सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी हमको. ठीक है. देखो लेट दिस एंगल बी थीटा, ये भी थीटा होगा. ये कितना हो जाएगा, नहीं 180 माइनस थीटा. अच्छा और अगर ये थीटा तो कितना होगा, है ना. अरे ये 180 माइनस थीटा हुआ ना, ये भी थीटा हो जाएगा. आसान थी, चलो दुआ सही कह रहा है बात है. हम इसी डायग्राम को लेते हैं. मैं प्रोड्यूस करता हूं, इसको मानता हूं ए बी सी डी. नाउ वी हैव प्रोड्यूस दिस. ओके दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. ओके नाउ ये अगर 2x साइड से सारी, तो दिस वुड बी x. हमको बी क्यू निकालना है क्योंकि मुझे बी क्यू एंड ए बी का रेशियो पूछा हुआ है. अब ये जो प्रूव करना है 4x कैसे होगी. देखो यार यहां पर इफ दिस एंगल इज थीटा, ये कितना होगा थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की. अच्छा अगर ये थीटा तो ये कितना हो गया, ये भी 180 माइनस थीटा होगा. ठीक है ना. और दिस एंगल अल्फा, तो ये कितना होगा अल्फा, पैरेलल लाइंस है. अच्छा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दिस साइड इज 2x और इधर ये अल्फा, ये मान लो बीटा, तो ये भी बीटा होगा. मान लेते ये साइड y है. अब ध्यान देना अल्फा बीटा 180 माइनस थीटा, आपको पता है ना रूल ये सिमिलरिटी वाला. मैं ऊपर ले लाऊं ये ट्रायंगल, तो अल्फा के अपोजिट 2x, इधर अल्फा के अपोजिट x, इधर अल्फा के अपोजिट. नाउ बीटा के अपोजिट इधर y, इधर बीटा के अपोजिट 2x. तो देखो y इज इक्वल 4x. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. रेशियो इज 4:1, 4:2:1. हमको बी क्यू और ए डी का रेशियो पूछा हुआ है 2:1. ओके इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विद अनइक्वल साइड्स इफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन. बहुत मजेदार लॉजिक है. आप लाइक डायगनल ना लो क्योंकि बोला हुआ है डायगनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ए बी सी एंड डी. ठीक है. अब आपको कंडीशन को प्रूव करना है. हम देखो क्या करेंगे, अगर मानता हूं इसको मैं ए बी सी और डी. लॉजिकल कितना आसान क्वेश्चन है समझना. आप 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या नहीं है. आप 1 2 3 4 मान लो, फर्क नहीं पड़ता. मैं 1 2 3 4 मानता हूं. ठीक है. देखो कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन करने के, जो अच्छा लगे वो करना है, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूं आपको एक. लेट दिस साइड इज 1 2 3 4. तो ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर की, सबके स्क्वायर लिख रहा हूं ये 17. ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 9 4 13 और ये कितना होगा 25. ठीक है.
अब देखो किसके किसके सम इक्वल आ रहे हैं, 17 प्लस 13 30 इज इक्वल 25 प्लस 5 30, अरे समझे। अब चाहे 1 2 3 4 मानो, 4 5 6 7 कुछ मान सकते हो आप। इसका मतलब अपोज अगर ऐसा हो जाए कि डायगोनल राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे तो अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होता है। तो देखो एबी प्लस सीडी, ये आंसर भी समझे। इसको प्रूव नहीं करना है, बस केवल लॉजिक से करना है इसको सॉल्व आंसर, समझे भाई लोगों। आप एबीसीडी मानो तो भी हो जाएगा, 1 2 3 4 1 3 5 कुछ ही मान सकते हो आप, आंसर सेम आएगा हर कंडीशन में, राइट। द रेशियो ऑफ एंगल्स एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ नॉन स्क्वायर रॉम्बस एबीसीडी इज 4:5। द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड बी, देखो यार ए बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द रेशियो ऑफ ए बी एंगल ए एंड बी, ये 4x है तो ये कितना है 5x, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रॉम्बस में, तो दिस इज 4x, दिस इज 5x। देखो ध्यान रखना, इन केस ऑफ रॉम्बस एंड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रॉम्बस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्लस एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल में वो सब 90-90 होते हैं। तो अब आपको बोला है द वैल्यू ऑफ एंगल सी, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, देखो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंगल जो सी है वो किसका मल्टीपल है 4 का, तो केवल एक आंसर 4 का मल्टीपल है 80, समझो। आप ऐसे कर सकते हो, मान लेते हैं ये 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा भाई अपोजिट। अब ये भी 100 हो गया, ये भी 80 हो गया, इनका सम 360 आ रहा है और रेशियो 4:5 आ रहा है, हेंस आवर अजम्पशन इज करेक्ट। और वैसे क्या करते हैं आप 5x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5x जोड़ते, इसको क्या करते हैं 360 कर देते हैं, इससे भी x आता। बट दैट मेथड इज वेरी इजी, जिसमें कि हमने 4 एज्यूम कर लिया था कि भाई 4 का मल्टीपल होगा, केवल एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझे भाई लोगों। एबीसीडी इज ए रॉम्बस एबी 4 एंड एंगल एबीसी, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एबीसीडी इज ए रॉम्बस, साइड एबी इज 4, एंगल एबीसी दिस इज 120, वी हैव टू कैलकुलेट डायगोनल बीडी। बहुत मजेदार लॉजिक का ध्यान देना। अच्छा अगर ये 120 तो कितना होगा, ये साइड बराबर तो ये कितना होगा, अरे समझे। तो ये इक्विलेटरल एंगल बन गया, ऑल साइड्स आर 4, बीडी इज 4, डी ऑप्शन। जल्दी थोड़ी आप सारी कंडीशन लगाओ, एक बहुत आसान सी कंडीशन है, क्वेश्चन हो गया। हो गया, देखो आप जो चीज सोचा करो उसको खुद मान लिया करो। देखो मान लीजिए ये रॉम्बस है, ये भी तो रॉम्बस एक तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, हाँ बाइसेक करता है, हमेशा बाइसेक करता है, हाँ ओके। एबीसीडी रॉम्बस, ए बी इज प्रोड्यूस टू एफ एंड बी इज प्रोड्यूस टू ई, ए बी ओके, तो हम इसको बनाते हैं ऐसे, ए बी सी डी, ए बी इज प्रोड्यूस टू एफ, यहां तक प्रोड्यूस किया, और बी ए इज प्रोड्यूस टू ई, सच दैट ए बी इज इक्वल बी एफ इज इक्वल ए, सब कुछ बराबर है, ठीक है। देन अच्छा अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेके चलेंगे, ये मैच करा दो, ईडी कई जगह है, सी एफ कई जगह है। तो पहली बात तो अगर ऐसा कुछ फिगर है तो बताओ क्या ये पहला कंडीशन ईडी बड़ा होगा या सी एफ बड़ा होगा, ना सेम नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, अगर अगर डायग्राम ऐसे बने, अगर ये ए बी होता तो ऐसी कंडीशन हो जो सब जगह ट्रू हो, अब ए डी बड़ा होगा, नहीं समझे बात। तो ये कंडीशन तो हम डायग्राम पर डिपेंड करेंगे ना कि कौन बड़ा होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, अरे समझ रहे बात। अगर डायग्राम को मैं जेड टिल्ट कर दूंगा तो मेरे हिसाब से ईडी बड़ा हो जाएगा, हाँ नहीं 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 उससे फायदा नहीं होगा, नहीं फोर, चलो फोर 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 मान लो आप, दिस इज फोर दिस इज फोर, है ना। अब एक बहुत सिंपल सी बात, इस हिसाब से ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा अधिक कोण, इस हिसाब से ये एक्यूट होगा, तो ये कंफर्म है छोटा होगा बड़ा होगा, है ना। इस और उल्टा कर देगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन कंफर्म नहीं है। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन, ईडी इज परपेंडिकुलर टू सी एफ, अब अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं, ये मुझे 90 डिग्री देखना है, क्या 90 डिग्री होगा, इसको छोड़ते पहले आगे कंडीशन देखते हैं। ED स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर
इज इक्वल ई एफ स्क्वायर, ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। अच्छा दूसरे देखते हैं, ईडी इज पैरेलल टू सीएफ, ये तो कंफर्म नहीं होगा। हाँ अब हम बी को प्रूफ कर रहे हैं। देखो यार अब मैं बी को प्रूफ कर रहा हूं, बहुत चीजें बैठा रहा हूं जो काम की नहीं थी, अब मैं बी को प्रूफ कर रहा हूं कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर बी नहीं हुआ तो फिर हमारा अगला कंडीशन हो जाएगी। पता इस तरह क्वेश्चन जब उसमें कुछ भी ना दिया तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ दिया नहीं ना, बहुत कम कंडीशन दी हुई है ना। हमें प्रूफ करना है, चेक करते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो यार, अगर ये एंगल थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ये भी थीटा होगा है ना। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस विल ऑल्सो अल्फा, अच्छा ये भी अल्फा होगा, बोलो तो ये भी अल्फा होगा, क्यों भाई ये पैरेलल है, देखो दोनों पैरेलल है लाइन, ये अल्फा हो गया, अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अच्छा अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट यार, ये अल्फा नहीं होगा, ये गलती होगी, ये अल्फा नहीं होगा, वो लाइन स्ट्रेट होगी तब होगा ना। अच्छा अभी इसमें हमको प्रूव करना, आंसर तो बी होगा लेकिन कैसे होगा वो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा ये एंगल एक्स तो ये भी एक्स होगा ना, ये तो कंफर्म है ना, ये वाई तो ये भी वाई, अब मुझे कुछ भी करके एक्स प्लस वाई को 90 प्रूव करना है, क्यों ये साइड इक्वल थी इसका यूज नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ हो गया यूज, देखो दिस इज एक्स, दिस साइड इक्वल ये भी एक्स होगा, बोलो ये तो होगा ना। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये y तो ये कितना होगा 180 माइनस 2y, इसका मतलब 180 माइनस 2y जो मान के चल रहे हैं ये थीटा के बराबर हो गया, और 180 माइनस 2x किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर, अरे बोलो। अच्छा और l इनको जो ऐड कर दो आप, 360 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल थीटा प्लस अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा कितना है 180, ठीक है ना, तो 2x हाँ हो गया आंसर, 2x 2y इज इक्वल 180, x प्लस y इज इक्वल 90, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, दिस इज 90 डिग्री भाई, x प्लस y 90 आ गया। इसका और कोई ट्रिक हो सकती है, पर मुझे अभी तक ये समझ में आया, आंसर इज हाँ, कई चीज सोचनी पड़ सकती है, मुझे और भी कुछ हो सकता था इसमें, बी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका जो मैं बताया था आपको, क्या नहीं हो सकता वो देख लो बस, मैंने क्या बताया, ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ईडी और सीएफ किसी कंडीशन में पैरेलल नहीं होंगे। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ईडी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर ईएफ स्क्वायर, ठीक है ना, ये कट भी नहीं, इसका केवल बी हो सकता है, ये आप जुगाड़ से कर सकते थे आंसर, इतना लंबा करने से अच्छा डायरेक्ट मार देते आप, है ना, जुगाड़ बना के। ओके एबीसीडी जे ट्रेपेजियम हुज साइड एडी इज पैरेलल टू बीसी, ए बी CD is a trapezium whose is parallel to AD is parallel to BC, ना? A B C D, AD is parallel to BC. Now draw diagonal AC and BD. Now they intersect at O. अच्छा AO दिया आपको 3, BO दिया हुआ है 3x minus 19, CO दिया हुआ है आपको x माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस 5, द वैल्यू ऑफ x विल बी, देखो यार दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे, ये एंगल 1 दिस इज 1 राइट, दिस इज 2 दिस इज 2, सिमिलर हो गए, 1 2 ले रहा हूं जो मेरे काम का है, छोटा ट्राइंगल ऊपर वाला, साइड अपोजिट टू 1 इज x माइनस 5 अपॉन साइड अपोजिट टू 1 इन दिस 3x माइनस 19 इज इक्वल साइड अपोजिट टू 2 3 इधर x माइनस 3 राइट। अच्छा अब आप क्या करोगे, देखो समस्या ये आएगी कि आप लोग ऑप्शन में फिर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 19, अब जो मैं कर रहा हूं ध्यान देना, नाउ विल चेक ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन में चीज देखो जो रिपीटेड, जैसे वो 7 दो बार है, हम 7 से दो बार है ना, 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 3 4, अच्छा हाँ 2 के बाद
अच्छा ठीक है, अच्छा सॉरी थ्री होगा। अब देखो यार, अगर मैं हाँ अब ये मैच कर गया ना, इक्वल हो गया ना, ये तो फोर ही होगा ना। नाउ दिस इज फोर, नाउ थ्री एक्स माइनस 19, एक्स की वैल्यू मैंने सेवन मानी है, क्या यहां से टू आ रहा है, थ्री बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते अब, क्योंकि सेवन से बराबर नहीं आया हमारा। अब हम रखते हैं एट, तो थ्री और यहां पर कितना फाइव, तो थ्री तो मिल गया, क्या इससे फाइव आ रहा है, यस फाइव आ रहा है, इसका आंसर इज एट, डी ऑप्शन। समझे भाई, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक्स होती है जो आपको याद रखनी है हमेशा। ओके 113, ओके अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सर्किल की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना, देखो गिवन दैट टू इक्वल सर्किल, जब भी बोला हो इक्वल मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है, रेडियस इज फोर, इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट एंड दिस इज सेंटर ऑफ सेकंड। अच्छा द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लाइन, ध्यान देना, दिस इज फोर, दिस इज रेडियस फोर, दिस इज फोर, दिस इज फोर, नाउ दिस इज अ रॉम्बस और ये भी फोर है, क्यों भाई रेडियस से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, फोर फोर फोर, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बन गया, और ये 60 होगा, तो 90 के आगे 4, तो 30 के आगे 2, तो 60 के आगे डबल कर दो 4√3, समझे आंसर, नहीं समझे बात, 30 90 60 लग गया, वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रॉम्बस की कंडीशन लग गई, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल लग गया, बहुत चीज समझ आई आपको। One chord of a circle is known to be 10.1. The radius of the circle must be. देखो यार, अगर chord 10.1 है, तो radius 10.1 से छोटी ही होगी. It can never be. ध्यान दे समझना. अगर chord 10.1 है, तो highest chord क्या होती है? Diameter. तो इसका मतलब diameter 10.1 से बड़ा ही हो सकता है, या बराबर हो सकता है. क्योंकि अब समझो इसका मतलब. इसका मतलब radius 10.1 से बड़ी ही हो सकती है, उसके आधे से. मतलब रेडियस वुड बी मोर देन 5.05, ये नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 5, बी ऑप्शन। समझे मैंने क्या किया भाई, कॉर्ड अगर आपकी 10.1 है, हाँ हाँ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 8 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड, कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8, डिस्टेंस 3, ये 4, आंसर 5, बी, क्लियर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर ये रेडियस के बराबर है, देखो यार ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, ये 60 60 हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। द एंगल विच दिस कॉर्ड सबटेन इन द मेजर सेगमेंट 300, सॉरी हाँ 30 डिग्री, इसका आधा हो जाएगा, वैसे तो ऑप्शन नहीं था, तो मैं तो आता भी बाद में। मैं लैंग्वेज द्वारा देखता फिर। मैंने लैंग्वेज नहीं पढ़ी, जल्दी कर दिया, समझ आई बात। ए बी 8 सी डी 6 आर टू पैरेलल कॉर्ड सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वी हैव टू कॉर्ड्स, ए की लेंथ है 8, ए की लेंथ है 6, अच्छा ये डिस्टेंस 1 है, तो ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, अगर मैं इसको ये लेंथ 6 है, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4, ठीक है। अब 3 4 का अगला ट्रिपलेट क्या होता है, 5, तो मान लेते हैं 5 है, देखते हैं क्या होता है, ये 5 ये 4 दिस वुड बी 3, और ये 5 ये 3, तो दिस वुड बी 4, डिफरेंस 1, एंड अवर एजम्पशन इज करेक्ट, रेडियस इज 5। ये आपने मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बताना, ये चीजें पैरेलल कॉर्ड्स वाला हो गया। द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ सर्किल आर 8 एंड 6, देखो यार देखो यार, ए बी एंड ए सी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी,
this is AB AC, because we have to make this angle 90 degree. The radius of circle, and this is 8, this is 6. एक रूल होता है, कि किसी भी सर्किल में अगर दो कॉर्ड 19 आ रही हैं, तो उनके जो एंड्स होंगे जोड़ने पर वो क्या होंगे, डायमीटर होगा. इफ दिस इज 8, दिस इज 6, दिस वुड बी 10 एंड इट्स हाफ इज 5, रेडियस इज 5. इफ टू कॉर्ड्स मेक्स एंगल 90 डिग्री देन देयर एंड्स विल बी डायमीटर इफ यू ज्वाइन देयर एंड पॉइंट्स. हाँ, नहीं नहीं, अगर वो एक सेम पॉइंट पर सर्कमफेरेंस पे कट कर रहे हैं, 90 बनेगा तब, जबकि हाँ वही वही लॉजिक लगा ना. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 एंड ईच सर्कल. अच्छा ओके, अब बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, दो कॉर्ड है दोनों 8 सेंटीमीटर की हैं, मान लेते ऐसे हैं, एक तरफ तोड़ी सकती है वो सेंटर के इधर ही होंगी, तो एक तरफ होंगी तो एक ही जगह बन जाएंगी. अच्छा रेडियस कितनी है, 5, दिस इज 8, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, इधर भी 3 होगा ना, 6 इज द आंसर. सर्किल आसान आता है जहां भी कोऑर्डिनेट वो ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटर प्रूविंग आ जाए तो टफ हो जाता है, उसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, सर्किल आसान होता है हमेशा. द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर 30 एंड 26 देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. बहुत मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है दो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हैं. अच्छा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, शायद आपको पता होना, दोबारा बता देता हूं. हाँ दोबारा बता देता हूं, कॉन्सेप्ट ये होता है, इफ वी हैव टू सर्किल इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, इनकी जो रेडियस है और इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है, ए बी सी, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और अगर कंडीशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री होगा. उस केस में अगर हमको कॉमन कॉर्ड पूछ ले, मान लेते कॉमन कॉर्ड का ये भाग पी है, तो वो सिमिलरिटी का रूल लगेगा, पी जेड इज इक्वल एक्स वाई, याद है रूल. तो अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, समझो मेरी बात. अगर ये 90 डिग्री हो गया, और अगर 90 डिग्री नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन टफ है, तो ये रूल याद रखना. क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसकी रेडियस 20 है, इसकी 25 है, 15 है, और ये 25 है, ये डिस्टेंस, तो बोले बताओ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये आगे आएगा आपके पास. नाउ दिस इज 20, दिस इज 15, दिस इज 25, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, पी निकालो, पी इंटू 25 इज इक्वल 20 इंटू 15, 5 5 जा 5 4 जा 5 3 जा, तो पी आ गया 12, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24 हो गई. और सेम क्वेश्चन है वहां, रिवर्स करके बोला हुआ है, ना पी हाफ होती है, पी हाफ लेंथ होती है. हाँ तो इस क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिकल बोला हुआ है. द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24 दे रखी है. अच्छा इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर 30, ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 13, हमको ये पूछा हुआ है. अगर ये 24 तो ये कितना होगा, सेंटर ज्वाइन करते हैं एंगल 90 डिग्री बनता है. अच्छा ये 13 ये 12, तो ये कितना, ये 15 ये 12, 5 5 जा नहीं 5 3 जा और ये 3 4 जा, तो 3 कॉमन, तो ये कितना होगा 9, 9 प्लस 5 आंसर. अगर आपको शॉर्टकट पता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ लो. देखो देखो मैं दोबारा बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को, आपको एक बात पता है, अगर मैं कहता हूं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 20 है, ये 15, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 5 4 नहीं ये है 25, तो ये 5 3, तो 5 5 कॉमन, ये कितना हो जाएगा 5 4 नहीं एक मिनट एक मिनट, ये 12 करो यार, 12 करो तो भी हो पाएगा, 4 3 4 4 कॉमन 3 5 4, तो ये 16 हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में आओ, कॉमन कॉर्ड लेंथ कितनी दे रखी है 24, रेडियस ऑफ फर्स्ट इज 30 सॉरी 15, डायमीटर 30 है ना, और रेडियस ऑफ सेकंड इज 26 13, ये ज्वाइन कर दो. अगर कॉमन कॉर्ड 24 है, ये ज्वाइन किया है, इट वुड बी परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो ये कितनी हो जाएगी 12. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, दिस इज 13 दिस इज 12, ये कितना होगा, अब इसकी बात करो 15 और 12, ये है 5 इंटू 3 और ये कितना है 3 इंटू 4, कॉमन क्या है 5 4 अगला होगा 3 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 5 लेंथ ऑफ हो गई,
नहीं उसको यूज ही नहीं, क्योंकि 90 अब बनेगा तो ये 90 नहीं बन रहा ना, ये 90 नहीं हो रहा है, देन वो कंडीशन फिर लगेगी। देखो मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा होता ये P होता ये X Y Z, अगर ये 90 तब होता पी जेड इज इक्वल एक्स वाई, लेकिन वो कंडीशन यहां पे नहीं लगेगी ना, दूसरी कंडीशन लग गई यहां पे, राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई। आंसर इज 14। तो ये याद रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबस्टेंड एन एंगल 72 एट द सेंटर द लेंथ ऑफ द आर्क, दे वेयर रेडियस इज 21 एंड दिस एंगल इज 72, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। तो हम जानते हैं आर्क इज इक्वल एंगल इंटू रेडियस, बट एंगल है यहां पर किसमें, डिग्री में, और इस फॉर्मुले में एंगल वुड बी इन रेडियन। तो 72 इंटू पाई बाई 180 इंटू रेडियस 21, 7 कटना ही कटना है ना, तो ये जाएगा कितना, देखो 920 जा 98 जा, ठीक है 42 जा 45 जा, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 5 इंटू 21, सो कितना हो जाएगा 3। तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 है फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर होगा 11 से मल्टीपल है ये, नो, ये 11 का मल्टीपल है यस, 3 का मल्टीपल है यस, ये 11 का मल्टीपल है यस, 3 का मल्टीपल है यस, हाँ हो सकता है दोनों आंसर पॉसिबल है। अभी मैं एक शॉर्टकट दूसरा बताऊंगा, 19.8 ये 9 का मल्टीपल है, 3 का नहीं है, ये नहीं हो सकता, अरे समझे, यहां पे केवल एक 3 बच रहा है, ये भी सोचना है आपको। अच्छा आप सुनो, अरे समझे, एक मिनट, वो 3 का है 9 का नहीं, आंसर जो हमारे पास चाहिए, हमें चाहिए 3 और 9 ना हो। देखो जो 9 का होगा 3 का तो होगा, लेकिन अब इस ऑप्शन में हमारे पास जो बचा ना फाइनली 2 इंटू 22 इंटू 3 बाई 5 बचा, ये नंबर केवल 3 का है, नो 9, यहां 9 का मल्टीपल आ गया ना, तो दो ऑप्शन बचते 26 एंड 13.2। बहुत सिंपल बात समझना, देखो ऐसा है, वही तो लगा है, वो तुम अलग बात करो, उसमें एंगल तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुनो 3 टू जा 6, और देखो 6 बाई 5 मैं कैसे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 6 बाई 5 इज 1 पॉइंट समथिंग, और 22 इंटू 1 मतलब 22 से बड़ा, केवल आंसर डी बी पॉसिबल है, वो तो 22 से कम है ना, सी ऑप्शन आंसर हो गया क्या, बी। आप पूरा सॉल्व करो सेटिस्फेक्शन के लिए, आंसर आ जाएगा, बस एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, एक लॉजिकल होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन किस लेवल पे छोड़ना है। सेक्टर वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये भी लगा सकते हो आप, तो उसमें बात तो ही पड़ेगी ना, पाई तो वो भी आ गया ना, सॉल्व तो इतना करना पड़ेगा, ये भी तो फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ। अ यूनिक सर्कल कैन ऑलवेज A unique circle can always be drawn through x number of given non-collinear point, then x must be 3. Minimum 3 point होंगे तो unique circle बनेंगे, मतलब single circle बनेगा। अगर हम कहते हैं दो point, तो इससे एक circle ऐसे ही बन सकता है, फिर एक ऐसा बन सकता है, कई circle बन सकता है, unique का मतलब single circle। और अगर 3 point होंगे तो 3 point से, देखो अगर मेरे पास 3 non-collinear point है, एक triangle बनाओ, इस triangle के outer में कितने circle बन सकते हैं, एक, तो unique circle तब बनेगा जब वो 3 non-collinear point हो। आंसर इज बी। नहीं निकल सकता, हां मल्टीपल सर्किल बनेंगे, 3 ही चाहिए होते सर्किल बनाने के लिए, मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट होगी। 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। अच्छा एक आप लोगों एक बात पूछ बता देता हूं, अ यूनिक सर्किल सिंगल सर्किल, अगर 4 पॉइंट होंगे तो 3 से एक बन गया, अगले 3 से एक और बन गया, 4 पॉइंट से देखो अगर आपको 4 पॉइंट दिए, ये आपके मतलब की बात नहीं, 4 3 3 मतलब 4 सर्किल बनेंगे, और हमको बोला यूनिक सर्किल सिंगल सर्किल बने तो 3 पॉइंट रिक्वायर्ड है उसके लिए, हाँ 4 सर्किल निकलेंगे, अगर 4 पॉइंट है तो 4 सर्किल बनेंगे, 5 पॉइंट है तो 10 बनेंगे, 20 बनेंगे, हाँ एनसीआर से। ओके, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 21 द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। बहुत मजेदार लॉजिक है, ध्यान देना, बोला तो 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन सर्किल ऑफ डायमीटर 30, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24। अब इंपॉर्टेंट ये है, देखो डायमीटर कितनी 13, ये कितना हो गया 15, मैंने देखो इसमें एक बात नहीं बोली है कि वो आगे इधर उधर है या कैसे है,
लेकिन 21 दे रखा है ना उनके बीच की दूरी, इसका मतलब वो इधर उधर है, ये कॉमन सेंस होगा। अगर कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 21 है तो इधर उधर होंगे। अच्छा, एक कॉर्ड की लेंथ है 24, तो ये कितना होगा, ये 12, ये 15, तो ये कितना होगा 5 into 3, दिस इज 4 into 3, 3 कॉमन, 4, 4, 5, 3 into 3, 9, ये 9 होगा। और अगर ये 21 डिस्टेंस है तो 9 इधर हो गया, तो ये कितना होगा 12, ये 15, तो ये कितना होगा 9, लेंथ होगी 18। भाई अगर आपको ट्रिपलेट निकालने तरीका बता तो शॉर्टकट है, ये तो आप करते रहो भाई लोगों, ये शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे ट्रिपलेट वाले 36, इसी क्वेश्चन होते जल्दी जल्दी, अभी तक एक क्वेश्चन में टाइम लगा, बाकी तो लॉजिकल चल रहा है सब कुछ, और ये आपको आना ही चाहिए चीजों का, समझे बात। आगे बढ़े, इफ टू इक्वल सर्कल्स हुज सेंटर आर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ए एंड बी, देखो यार दो इक्वल सर्कल की बात बोली हुई है, देयर सेंटर आर ओ एंड ओ डैश, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस दे रखी है, अच्छा ए और बी, और ये ओ एंड ओ डैश, राइट, दिस इज 16। नाउ एक रूल होता है, अगर जहां पे दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं और उनके सेंटर ज्वाइन करें, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है और ये बाइसेक्ट होती है, तो अगर ये टोटल 16 होता कितना होगा 8 होगा, और आपको दिया हुआ है ए बी 16 हो गया, और कुछ दिया है ओ ओ डैश 12। एक मिनट, ना ना ना, क्या हो रहा, ओ ओ डैश आपको कितना दिया है 12, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ये आधे आधे होंगे, ये बात समझ लेना, ये कंफर्म नहीं होता आधे आधे होते हैं, आपको पूछा गया, अच्छा इक्वल सर्कल है ठीक है, आधे आधे होंगे, अभी इक्वल हुए तो ये कितना है 6 6, तो ये कितना हो गया आंसर, इक्वल सर्कल होने पर ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होता। नेक्स्ट, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी, देखो ऐसा कुछ बोला हुआ है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, इफ ए बी 6, सी डी इज 3, पी डी इज 5, देन द लेंथ ऑफ पी बी, मानो एक्स, तो रूल होता है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल सी पी इंटू डी पी, नाउ ए पी 6 प्लस एक्स, राइट, पी बी एक्स, सी पी इज 8 एंड डी पी इज 5, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, अगर मैं 5 रखता हूं तो 11 आएगा, नॉट पॉसिबल, डेसिमल नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 रखो, 10 into 4, यस दिस इज आंसर, डी ऑप्शन, समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल विद सेंटर ओ इज टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन ए एक्स एंड बी वाई, ऐसा कुछ है ठीक है, अच्छा दिस इज ए बी एंड दिस इज ए एक्स एंड बी वाई, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये एंगल आपको या तो इधर 65 हो सकता है या इधर 65, ये कंफर्म नहीं कुछ हमको भी, समझे, गिवन दैट द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड बी सब्टेन एंगल 65 एट एनी पॉइंट सी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, मान लेते हैं ये है, मान लिया हमने 65 ये है ठीक है, अच्छा इफ पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ, अच्छा ये हमारा हो गया सेंटर ओ, क्लियर, हमको निकालना है एपीओ, तो एक रूल समझो, ये 90 होगा है ना, और अगर ये 65 तो ये कितना होगा, इसका मतलब नहीं ये गड़बड़ है, ये 230 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 65 नहीं होगा, 65 यहां पर होगा, तो अगर ये 65 तो ये कितना, ये 130, ये 90 90, तो ये कितना 50, तो ये एंगल कितना हो गया आधा 25, ये ऑप्शन, बस ये इंपॉर्टेंट है किधर बनेगा किधर नहीं बन सकता, ये सोचना होता है। ओके नोट, देखो इधर इसलिए बनेगा, अगर ये 65 होता तो ये होता कितना 115, ये 230 हो जाता, तो ये 90 90 180 प्लस 260 ज्यादा नहीं हो गया, और हमारा तो क्वाड्रेटर में 360 छोटा होना चाहिए ना। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, राइट, ए बी एंड सी डी दिस इज 10 दिस इज 24,
अच्छा बहुत मजेदार लॉजिक का ध्यान देना, ये हो गया 5, ये हो गया 12, तो ये 13 है, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 12, आंसर हो गया 17, समझे। इस तरह का पांचवा क्वेश्चन आया इस तरह का जिसमें कि पैरेलल कॉर्ड्स का लॉजिक है, तो ये ट्रिपलेट ही चलते हैं, ध्यान रखना इनका। ओके, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्किट सच दैट ए बी 10 सी डी 24। देखो सिंपल सी बात, 10 का आधा 5, 24 का आधा 12, मतलब 13 रेडियस होगी। पूछा क्या है, हाँ खत्म क्वेश्चन डिजिटल बात। अब वो 17, पहला क्वेश्चन 17 किया था, 17 पूछा था 13 दिया था, इस बार 13 पूछा 17 दिया, तो आंसर क्या हो गया 13। तो ये लॉजिक आपको प्रिपेयर कर लेना है भाई, 10 और 24 आ गया, 5 12 मतलब 13 ही हो सकता है अगला क्वेश्चन। ओके, अ कॉर्ड एबी ऑफ सर्किल C1 ऑफ रेडियस √3+1 ऑन टचेज अ सर्किल C2 व्हिच इज कंसेंट्रिक ऑफ C1 इफ द रेडियस। देखो यार ऐसा कुछ क्वेश्चन है, दो सर्किल है, एक की रेडियस है ये है बाहर वाला C1 एंड इनर सर्किल इज C2। मैंने क्यों ऐसा किया, देखो इसकी रेडियस √3+1, इसकी √3-1 मतलब वो अंदर है। एक कॉर्ड है ऑफ दिस सर्कल विच टचेस दिस, तो इसके लिए कॉर्ड है उसके टेंजेंट हो गई, लिखा हुआ है, इज द ए बी। ओके नाउ देखो यार, ये रेडियस कितनी है √3-1 और ये रेडियस कितनी है, कैन वी कैलकुलेट दिस, जो है वो डबल कर देंगे। अब देखो होगा क्या, ध्यान देना, ये होगा √3+1 का स्क्वायर माइनस √3-1 का स्क्वायर, तो होगा इज इक्वल, मान लेते हैं ये एक्स है, इट इज एक्स स्क्वायर राइट, ए प्लस बी और माइनस भी कर दो, तो जब जोड़ेंगे तो जाएगा √2√3, और जब बटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी करोगे तो 1-1 कटेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा एक्स इज इक्वल 2/4, समझना ही बात, वो ऑलरेडी √3 है, फिर और एक 1/2 आएगा, तो 4th पावर, इसका डबल कर दो तो 4 × √3, सी ऑप्शन। बहुत मजेदार क्वेश्चन था समझे, डबल भी करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। The length of common chord of two circle of radii 30 and 40 whose center are 50 centimeter apart. बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देना, 30, 40, 50 देखो क्वेश्चन में आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं बात, तो जो मैंने वह समझाया था वो यहां काम आ गया। देखो अगर ये 30, 40, 50 ना होती तो क्वेश्चन थोड़ा टफ जाता, अब आसान है। देखो क्या होगा, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, तो मान लेते हैं ये आपकी पूरी कॉर्ड है, इसका इतना पार्ट लेट एज्यूम एज पी, तो रूल होता है P × 50 = 30 × 40, P × 50 =, समझे बात, तो P हो गया कितना 24, तो डबल कर दो इसका 48 भाई, ये तो P आया ना कॉमन कॉर्ड, तो ये शॉर्टकट बताऊंगा तभी क्वेश्चन जल्दी होंगे आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई एंड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ओके बहुत मजेदार क्वेश्चन है, टू कॉर्ड्स अप और इस पर बेस बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई एंड परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज ई, नाउ गिवन दैट लेंथ ऑफ ए ई दिस इज 2, EB 6, ED दिस इज 3। ओके मान लेते हैं ECX है, तो एक रूल होता है CE × ED इज इक्वल AE × EB, तो C कितना है X, दिस इज 3 इज इक्वल 2 × 6, तो ये कितना हो गया, तो X कितना हो गया 8, फिर 2 2 2 4 हो गया। अच्छा ये समझ आया सबको, अब इसको नोट करो, इसका दूसरा स्टेप है, इसके बाद मेरा बराबर करना पड़ेगा मुझको थोड़ा सा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर बेस कई क्वेश्चन एबीसी की फॉर्म में भी आए हैं। परपेंडिकुलर कॉर्ड्स का भी तरीका बता जाना, उसके आगे अगर दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स दी और रेडियस पूछी हो, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इफ टू परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हैविंग लेंथ 2A and 2B फाइंड एंड द
इंटरसेक्शन पॉइंट इज सी यूनिट फ्रॉम सेंटर, फाइंड रेडियस, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो अब ये समझना है सबको यहां तक। एक क्वेश्चन ये सेपरेट हो गया कि पार्ट ईसी निकालो, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, रब कर दो इसको। नो वी गॉट दिस एज फोर, दिस थ्री, दिस टू, दिस सिक्स, ये था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, माना कि दिस इज सेंटर, ये और ये ज्वाइन कर दो, ध्यान देना, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 90, तो ये भी 90 होगा। अब मान लेते हैं रेडियस आर है, क्लियर। नो ये पूरी लेंथ कितनी है, तो ये कितनी होगी, चार, आधी है ना। अच्छा ये फोर ये सिक्स, तो ये कितनी होगी, बोलो, ये पूरा एट था, यहां से यहां तक एट था, ये चार हो गया, तो ये भी तो चार बचेगा, इतना ये टू बचा, तो ये भी टू होगा। अच्छा इधर देखो, ये पूरा कितना है, सेवन, फोर ऊपर थ्री नीचे, अभी फोर निकाला था, तो ये यहां से यहां तक 3.5 हो गया, ये 3.5, तो ये कितना बचा, 0.5, बोलो बोलो समझ बात, तो ये 0.5 है 1/2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, 16, तो 1/4 प्लस 16, 65/4 आर स्क्वायर, तो आर वुड बी रूट 65/2, तो 2R इज इक्वल रूट 65, आंसर ए ऑप्शन, समझे बात। हाँ बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक था, ध्यान समझना, मैं एक बात दोबारा रब कर रहा हूं पूरा। ये देखो ये 1/2 समझ में आया, हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का, ये जरूरत तो नहीं लिखने की, समझो मैंने क्या किया, मैंने किया देखो यार, ये तीन था, दिस इज टू, दिस इज फोर, एंड दिस इज वी कैलकुलेटेड एज फोर। अब अगर मैं सेंटर से पपनर ड्रॉ करता हूं तो ये लेंथ पूरी कितनी है, एट, तो ये कितनी बचेगी यहां से यहां तक, फोर, क्लियर। ये कितना बचेगा, टू, क्योंकि यहां से तक सिक्स है ना, ये गिवन है सिक्स, बोलो। अच्छा उसी तरह से अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, यू नो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, आधा आधा करता है, तो देखो ये पूरा लेंथ कितनी है, सेवन, ये 3.5 बची यहां से यहां तक, ये पूरी कितनी है, फोर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं हो गया, तो ये 1/2, ये फोर, लगा दो पाइथागोरस, ए ऑप्शन। मजेदार क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर कॉर्ड के कई क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आएंगे आगे 2A 2B वाले, तो ध्यान रखना इन चीजों को, नोट करो। टू सर्किल विद सेंटर पी एन क्यू इंटरसेक्ट एट बी एन सी, देखो यार दिस इज बी एंड दिस इज सी, एडीआर पॉइंट्स ऑन सर्किल सच दैट ए सी डी आर कोलिनियर, ओके दिस इज ए सी डी, ओके। नाउ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज पी, अच्छा देखो यार आपको गिवन है ए पी बी इज 135। अब एक समस्या हो सकती है, डायग्राम की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट लेट दिस इज पी, तो ये 130 दिया हुआ आपको, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा उसके बाद बी क्यू डी, मान लेते ये क्यू है, दिस सेंटर ऑफ दिस, वी हैव टू कैलकुलेट बी क्यू डी, ओके नाउ जॉइन दिस, अगर ये 130 तो कितना होगा, क्लियर है, और बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो ये 65 तो कितना होगा। अब ध्यान देना, एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, अगर ये 115 तो ये कितना होगा, और हो सकता है ये भी एंगल, तो हम बोलेंगे बात तो वही ना, 360 माइनस 130 भी तो हो सकता है। अब आप देखो, अगर मैं कहता हूं कोई एंगल ऐसे, दिस इज 230, तो ये 130 हो गया, और ए मैं बोल रहा हूं बी क्यू डी, नाउ व्हाट इज द वैल्यू बी क्यू डी, 130 भी है 230 भी है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आंसर, समझे बात। अगर 130 जगह 230 तो वो आंसर बना रहा होता, क्योंकि एंगल में ऐसा तो बोला नहीं कि रिफ्लेक्स बताओ या एक्यूट बताओ या ऑब्ट्यूस बताओ, समझे बात, तो दोनों तरफ एंगल चेक करने पड़ेंगे आपको, और डायग्राम पे भी कई चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा क्वेश्चन था, समझे भाई लोगों बात ये। आगे बढ़े, सर्किल ऑफ सेम रेडियस 5 इंटरसेक्ट ईच अदर एट, ओके देखो इनकी रेडियस 5 है और इनके सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी है, और दोनों इक्वल सर्किल है, ये 5 ये 5,
एक मिनट, नहीं ये एट नहीं दिया हुआ यार, ये एट दिया हुआ है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो यार ये फोर हो गया, ये फाइव, फोर थ्री, ये थ्री, तो आंसर इज सिक्स। ठीक है भाई, तो अगर वो राइट एंगल नहीं बनेगा तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब आपसे कुछ और पूछेगा फिर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पूछेगा, और अगर वो राइट एंगल बन रहे होंगे तो बोलेगा कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड पूछ लेगा। ये तो हो रहा है अभी तक, चार क्वेश्चन के दो में कॉमन कॉर्ड पूछे, दो में सेंटर की डिस्टेंस पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डी ओ सी इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट डी ऑन द सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस। अब इस क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। ओके, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, डी ओ सी इज ए लाइन सेगमेंट। ओके, ये आपकी ए बी कॉर्ड है, राइट, डी ओ सी इज ए लाइन सेगमेंट, कुछ ऐसा होगा, एंड इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। तो ये सी हो गया, ये ओ हो गया, ये डी हो गया, क्लियर, डी ओ सी इज लाइन सेगमेंट। नाउ इफ गिवन दैट बी सी इज इक्वल ओ डी, ये साइड इक्वल है, मतलब रेडियस के बराबर है, ये तो मतलब है इस बात का, थोड़ा डायग्राम चेंज कर लेना बाद में आपको, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने का लगेगा यार थोड़ा डायग्राम और छोटा होता, मतलब ये ऐसा होता। मतलब अगर ये ऐसा होता तो ज्यादा आसान रहती बात है, राइट, तब ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी। ठीक है, आपको बोला है BC इज इक्वल OD, नो एंगल BCD, BCD दिस एंगल गिवन एज 20, ओके, एंड एंगल AOD कैलकुलेट करना है आपको, ये एंगल कैलकुलेट करना है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, अच्छा दूसरा काम करते हैं, इफ वी ज्वाइन दिस, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना, इतना डायमीटर है ना, 90 तो होगा ही होगा। क्वेश्चन मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ है, नहीं फिगर सही है यार, तो आते हैं, ए बी जे कॉर्ड, ये कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है बताओ, सेंटर ओ दिया हुआ है, दिस साइड इक्वल दिस साइड इक्वल दिस साइड, ये तो बोला हुआ है, इसको मान लो पी या ई मान लो, बी सी इज इक्वल ओ डी दिया हुआ है ना, ये 20 डिग्री है, अच्छा देखो हो गया क्वेश्चन, ये रेडियस ये भी रेडियस, ये 20, ज्वाइन दिस, ये 10, इसका आधा होगा, बोलो ये 10 तो ये भी 10, हमको पूछा क्या गया है, ए ओ डी, अच्छा ये अगर मुझे अच्छा हो गया, देखो ये 20 है, 20 है, 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 40 ये कितना हो गया 100, 100 20 तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, नहीं समझे बात, दोबारा बता दो, दोबारा देखो, वी हैव अ कॉर्ड ए बी प्रोड्यूस्ड टू सी एंड व्हेन वी ज्वाइन इट लाइक दिस, दिस इज डी ओ, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, बोला ये इसके इक्वल है, रेडियस हो गया, मतलब ये भी इक्वल हो गया फिर, नाउ इफ दिस एंगल इज 20 दिस वुड बी, ये भी 20 होगा, ये 40 होगा, बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ना इसका, ज्वाइन दिस, ये 40 होगा, रेडियस रेडियस हो गई, दिस 40 दिस 40 दिस वुड बी 100, 100 20 ये कितना हो गया 60, आंसर। ठीक है ना, अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट, कहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन में,
हो गया भाई। आगे बढ़े। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, टू पैरेलल कोर्स ऑफ लेंथ 30 16, 30 का आधा 15, 16 का आधा 8, 15, 17, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। इफ बोथ कोर्स आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड होने पर 8 और 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट में जोड़ देंगे, तो अंतर आंसर कितना आएगा, 7। देखने बात मैं बता देता हूं, डरो नहीं। देखो यार, ये 30 है तो ये हिस्सा हो गया 15, ये हो गया 8। अगर मैं बात करता हूं ये 17, तो ये 15, ये 17 है, कितना बचेगा, 8, मैं ही तो बोला था। और अगर ये 17 है, दिस इज 8, तो ये हो गया 15, तो डिफरेंस कितना हो गया, 7। ये ओरल भी कर सकते थे आप, ट्रिपलेट ढूंढ लो कौन से है, अगर सेम साइड तो अंतर, अपोजिट साइड तो जोड़ लेंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ABCD स्क्राइब ने सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, अ सेमी सर्कुलर ड्रॉन डिस्क्राइब ऑन ईच साइड ऑफ डायमीटर। देखो यार ऐसे करके, अच्छा ऐसे कुछ किया गया, ये कुछ ऐसे बनाया गया, ठीक है। हर साइड पे हमने क्या बना दिया, सेमी सर्कल। तो द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फोर सेमी सर्कल एंड द सर्कल, मतलब आपको ये एरिया पूछा हुआ, ये वाला हिस्सा बाउंडेड बिटवीन, इसमें बात इनके बीच में कौन कौन सा आ रहा है, मतलब जो जो बाउंड्री है, मतलब ये पूछा हुआ है। अब ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे हम करेंगे उसको शॉर्ट में। हम अगर एक एरिया निकाल लें, उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं एक एरिया कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान देना, ये कितना होगा, ये लेंथ मैंने बनाई है 2, क्यों, क्योंकि दिस इज ए यूनिट रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी है, 1, तो डायगोनल 2 हो गया। अगर मैं ज्वाइन करता हूं ये 1 1 हो गया, समझे। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, मुझे ये एरिया निकालता हूं, पहले क्या करूंगा, अगर ये 1 है तो ये साइड कितनी होगी, ये 90 डिग्री होगा, ये 40√2, तो ये जो सर्किल होगा ये वाला, ये सेमी सर्किल, इसका एरिया क्या होगा, पाई रूट टू स्क्वायर बाई टू, अरे समझे, ये तो होगा कितना हो गया पाई। अगर मैं इसमें से इतना हिस्सा घटा दूं, ये वाला हिस्सा, तो मेरा हिस्सा आ जाएगा। अब कैसे, ये हिस्सा कैसे निकला, बहुत आसान सी बात है। अब मैं डायग्राम थोड़ा सा रब कर रहा हूं, थोड़ी चीजें रब कर रहा हूं डायग्राम में, जिससे आप क्लियर समझ जाओ इस बात को। मैं क्या बोल रहा था, इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस पार्ट, ये यही तो पार्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इसमें से। अब ये कैसे होगा, देखो यार ये 90 डिग्री है, इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना होगा, 1/4 π² बोलो, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1 1/2, तो ये कितना बचेगा, π/4 - 1/2, ये हो गया मेरा इस वाले हिस्से का एरिया, माइनस कर दो π - π/4 - 1/2, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, दिस इज योर आंसर, 4 π - π/4 - +1/2, 3π/4 + 1/2, 4 एलसीएम ले लो तो 3π + 2, आंसर नहीं आया ना क्या, अच्छा अच्छा हाँ 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 ये गलती हुई है, सॉरी यहां पर देखो ये होगी √2/2 या 1/√2, तो π/4 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी π/4, हाँ तो सेमी सर्कल है ना वो, तो π/2 भी करना पड़ेगा, अरे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हुआ, हाँ तो ये π/4 कट गया ना, हाँ तभी तो आंसर बन पाएगा यार, तभी तो आंसर बन पाएगा, ये हो गया कितना 1/2 और 2 आंसर हो गया, बी ऑप्शन, न्यूज बन नहीं पता ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल टच इच अदर इंटरनली, देयर रेडियाई आर 2 and 3, द बिगेस्ट क्वाड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड. एक क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं आज तक का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देना. टू सर्कल टच इच अदर इंटरनली, देयर रेडियाई आर 2 and 3, ध्यान देना. ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 6, और ये कितनी होगी? 4, ना रेडियस 2 है ना छोटे वाले की, तो उसका डायमीटर 4 हो गई. अच्छा, उसके बाद द बिगेस्ट क्वाड ऑफ द ग्रेटर सर्किल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, नहीं समझ बात? ओके, नाउ इसका सेंटर, ये लेंथ कितनी होगी? ये बड़े वाले की बात कर रहा हूं, तो ये कितनी बची? 1. अच्छा, यहां से आपको ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये 3, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? √8 या 2√2, और डबल कर दो, समझे? टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 7 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ अदर सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, इस तरह से, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, दिस इज 7, एंड इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ अदर सर्कल. होता है कभी कभी, हाँ, सीजल क्वेश्चन है. ओके, एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल सच दैट एंगल सब्टेंड बाय कॉर्ड ए बी एंड एसी एट द सेंटर आर 90 and 110. देखो यार, वी हैव 3 पॉइंट्स ए बी सब्टेंड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और एसी, लेट दिस इज एसी एंड दिस इज 110, राइट, ये 90. तो क्वेश्चन क्या है? एंगल बी ए सी, ये पूछा हुआ है, बहुत आसान सी बात है. ये 110, तो ये 35 35, दिस इज 45 45, ये एंगल कितना हो गया, समझे भाई? नेक्स्ट, एन इज द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन सर्किल विद रेडियस 7 ऑन ए डायमीटर ए बी. देखो, एन इज द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए सर्किल विद रेडियस 7. देखो यार, दिस इज डायमीटर ए बी, और यहां से मैंने पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फोटो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट एन है और ये 90 डिग्री है, ठीक है. इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी बी, दिस लेंथ इज 12, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एन फ्रॉम द पॉइंट बी, मतलब एन भी पूछा हुआ, ध्यान देना, बहुत मजेदार लॉजिक है. ये कितना होगा? 14. अच्छा, इफ वी ज्वाइन दिस, ये पाइथागोरस लग जाएगी इसमें, लेकिन समस्या इसमें ये है कि यहां पर कोई भी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, मतलब ये एक्चुअल ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, है ना, ये हो गया 7 2 और ये हो गया 6 2, तो इसमें कुछ बनता नहीं है. अब एक रूल होता है, मैंने आपको शायद सिमिलरिटी पढ़ी होगी, आपने तो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, देखो चलो मैं यही कर देता हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. लेट दिस एंगल इज 1, दोनों में कॉमन है, ये 1 दोनों में कॉमन है, लेट, एंड दिस इज 90, यहां पर ये 90 है, और ये एंगल 2, तो ये भी 2, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अच्छा, हमको एन बी कैलकुलेट करना है, नाइंटी एंड 2 लूंगा मैं, साइड अपोजिट टू 90, बड़े ट्रायंगल में 14, छोटे में 12, साइड अपोजिट टू 2, बड़े में, छोटे में एन बी, बस सॉल्व, अपॉन में 7 आएगा, सब में 7 है, चलो कोई बात नहीं, एन बी इज इक्वल 12 × 6/7, 72/7, क्या आंसर हो गया? 10 whole 2/7, डी ऑप्शन. अब ये बात जिसको समझ इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, सिमिलरिटी मैंने प्रूव कर दी, अदरवाइज आप करते रहोगे, बहुत कई चीज निकालोगे, कुछ लोग एपी भी निकाल लेंगे, है ना, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे, फिर एपी निकाल के फिर निकालेंगे पीएन, फिर निकालेंगे एएन, फिर घटाएंगे उसमें से, तो लॉजिकल है कि सिमिलरिटी से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा. आपने जब मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सिमिलरिटी, ये बताया मैंने चीजें 1 2 3 और थीटा 90, मैंने थीटा 90 किया था, नोट करो. सर्किल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, देखो यार, ए सी एंड बी डी, ओके, ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ई, नाउ एंगल बी ई सी इज, दिस इज 130 एंड ई सी डी दिस इज, अच्छा ये ध्यान रखना, ये कहीं नहीं कहा है कि ई सेंटर है, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, नाउ मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये 20, तो ये कितना
सेम सेगमेंट, ये 130 तो ये कितना 50, ये 50 है 20 तो ये कितना 110, 110 50 क्या पूछा है, हो गया हो गया क्वेश्चन। हाँ कुछ भी नहीं क्वेश्चन में यार, एंगल वाले में कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 and 3 देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच इज विच टचेस, एक क्वेश्चन इस तरह कर चुके आप लोग। नाउ दिस इज 3, दिस इज 5, तो ये कितना हो गया, आंसर इज 8। सेम ही क्वेश्चन लग रहा है शायद ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20। ओके आप दिस इज रेडियस 10, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 8, क्या पूछा है, बस वही। अच्छा ऑप्शन दो है तो ए को कुछ चेंज कर लो, 4 12 कर लो, समझ आई बात। नेक्स्ट, इफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत आसान सी बात है, अगर रेडियस के बराबर है ऑल एंगल वुड बी 60 डिग्री। देखो यार ये पूछा है आपसे, ये 120, ये कितना हो गया, समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उल्टा कर दिया यार, दिस 30 दिस 150। ओके इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सब्सटेंड बाय अ कॉर्ड एट इट्स सेंटर इज 60 डिग्री, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया, कॉर्ड और रेडियस का रेशियो 1:1, बराबर 60 डिग्री बना तो सारे एंगल 60 हो जाएंगे, ये इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा, रेडियस और कॉर्ड बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई सेंटर ए बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अनदर सर्कल दे कट एट सी एंड डी, देन एक क्वेश्चन कर चुका आप इस तरह का, नाउ दे आर गोइंग टू देयर सेंटर, ये सेंटर ए है, दिस इज बी, कट एट सी एंड डी, देन एंगल डी बी सी। ओके देखो बहुत आसान सी बात है, ये इक्वल ट्रायंगल बन जाएगा 60 60, आंसर 120। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाइज ऑन वन ऑफ इट्स साइड द ट्राइंगल इज, सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट, द थ्री इक्वल सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल बी एबीसी देन एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और रेडियस बराबर हो जाएंगे सबकी, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, बी ऑप्शन। ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, देखो ये होगा सब रेडियस इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑन मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये प्रॉपर्टी होती है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल ए बी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्किल, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन इट, ए बी दिया है 20 तो 10 हो गया, ओ एम 2√11 रेडियस घटिया हो गया है ना, ये कितना हो जाएगा 44 और 10 12, अरे समझे क्या किया मैंने, फायदा और लगा दी, 100 प्लस 44 144 12 आंसर।